हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन यानी संविदाज किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ अंडा बिरयानी की रेसिपी। यह बिरयानी चिकन या मटन बिरयानी से जल्दी बन जाता है और स्वाद तो लाजवाब होता ही है। एक बिरयानी आज मैं इजीली स्टेप वाइज और बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊँगी और हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अंडा बिरयानी की इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल पकाने हैं। चावल मैंने लिया है 250 ग्राम या लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल है। बिरयानी के लिए ऐसे ही लंबे दाने के चावल लें। इन चावलों को मैंने 20 मिनट तक पानी में सोख करके निकाल लिया है, इसे अब पका लेते हैं। चावल पकाने के लिए मैंने लगभग 4 से 5 कप पानी को उबलने के लिए चढ़ा रखा है। पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेंगे ताकि चावल फ्री पके। यह अभी बॉइलिंग पॉइंट पे है तो हम यहाँ ऐड करेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच घी डाल रही हूँ। घी की जगह ऑयल भी लिए जा सकते हैं। नमक डालकर उबालने से चावल अच्छे अंदर तक नमकीन हो जाएंगे और घी से ये खिले खिले बनेंगे, चिपकेंगे नहीं। मिलाने के बाद यहाँ पानी में उबाल आते ही चावल इसके अंदर डाल लेंगे। इसे एक बार चला देते हैं, ज़्यादा इसे नहीं चलाएंगे नहीं तो चावल टूटने लगते हैं। चावल हमें पकाने हैं केवल 80%, यानी इसे कम्प्लीटली कुक नहीं करना है। चावल पूरी तरह उबल रहा है तो इसी स्टेज पर आप देख सकते हैं ये एकदम एग्जैक्ट कुक है, तो फ्लेम बंद कर देते हैं और सावधानी से हम इसे स्टेन कर लेंगे। स्टेन करते ही इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इस चावल का जो कुकिंग प्रोसेस है हीट के कारण हो रही है वो बंद हो जाए। तो इसे एक तरफ रख देते हैं और एक बिरयानी की बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक बिरयानी के लिए मैंने अंडे लिए हैं 6। इसे मैंने उबालकर इनके छिलकों को निकाल दिया है। यहाँ है 2 तेज़पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 4 लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, थोड़ी सी जावित्री, 1 स्टार सीड और चाकू से खोल कर लिया है मैंने 2 छोटी इलायची और बड़ी इलायची। 3 बड़े प्याज को पतला लंबा काट कर लिया है। 1 बड़ा टमाटर को भी मैंने मीडियम चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सूखे मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून शाही बिरयानी मसाला, 2 टेबल स्पून घी, 4 टेबल स्पून फ्रेश फेंटी हुई दही। दही हमेशा फेंट कर ही यूज़ करेंगे बिरयानी में। लगभग 1 टेबल स्पून गुलाब जल, यह ऑप्शनल है। और यहाँ 2 टेबल स्पून गुनगुने दूध में मैंने 8-9 केसर के रेशे को भिगो दिया है, इससे बिरयानी का कलर और टेस्ट दोनों इन्हांस हो जाते हैं। थोड़े थोड़े चाहिए हमें पुदीने की पत्तियाँ और हरी धनिया की पत्तियाँ। 2 हरी मिर्च को मैंने पतला लंबा काट कर लिया है और यह जो है वो है इस एक बिरयानी की सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज कर रही हूँ। यह है क्रस्ट यानी दरदरा 2 टेबल स्पून पुदीने की पत्ती। इसे हम मसालों के साथ आगे भूनकर ऐड करेंगे, इससे बिरयानी का जो टेस्ट आएगा एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक बनेगा। यह सीक्रेट मेथड है पुदीना ऐड करने का। बिरयानी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल और नमक लेंगे स्वादानुसार। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ कढ़ाई को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म कर रखा है। इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 4 बड़े स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी से आप घबराए नहीं, यह एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी है। जब तक यह गर्म होता है मैं सबसे पहले जो अंडे हैं उनमें ऐसे 1 फोर्क यानी कांटा चम्मच से या टूथपिक से ऐसे घुमा घुमा कर थोड़ा छेद कर देंगे, जिससे अंडे अंदर तक जूसी बनेंगे। अब यहाँ यह ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन सारे अंडों को इसमें डालकर चलाते हुए हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। इन्हें चलाना नहीं छोड़ें नहीं तो ये एक जगह पर ही ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी। जैसे ही हल्की लेयर ब्राउन आ जाए अंडों को निकाल लेंगे। तो अंडे हमें ऐसे ही तले हुए चाहिए, इन्हें एक प्लेट में निकाल कर एक तरफ रख लेते हैं। अब इसी ऑयल और इसी कढ़ाई में हमें फ्राई करने हैं कटे हुए प्याज। इन्हें डाल देते हैं, फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इन्हें भी चलाते हुए हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ओनियन एकदम से लाल होने शुरू हो जाते हैं तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखते हुए हमें फ्राई करना है।
ओनियन हमारी ऐसी फ्राई होनी चाहिए। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें निकालकर एक टिश्यू पेपर लगे प्लेट में फैलाकर ऐसे रखेंगे, जिससे ये एकदम अलग अलग हो जाएंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। इन्हें भी एक तरफ रख देते हैं। फ्लेम ऑन कर लेते हैं और अब जो ऑयल बचा है इसमें डालेंगे हम तड़के वाले सारे साबुत मसाले। इन्हें थोड़ा करकने के बाद डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालते ही ऐसे ढक्कन से थोड़ा ढककर चलाएं ताकि इनके बीच छिटक कर आपके ऊपर ना आए। अब डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम भूनेंगे लगभग आधे मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसमें डाल रही हूँ अब हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। इन्हें थोड़ा मिला लेंगे हम अच्छे से। इसके बाद अब डाल दिया है कटे टमाटर। मिलाने के बाद इसमें यही हम ऐड करेंगे स्वादानुसार बिरयानी का नमक। इसे भी मिक्स कर लेते हैं और ढककर हमें पकाना है 2 मिनट तक इन सभी को, जिससे क्या होगा कि मसाले तो पकेंगे ही, साथ में टमाटर भी हो जाएगा सॉफ्ट। 2 मिनट बाद देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट और मसालों के साथ मिल गए हैं। अब यहाँ हम फ्राइड प्याज की आधी क्वांटिटी इसमें ऐड कर देंगे और आधी हम लेयर बनाएंगे। इसमें यही ऐड करना है क्रश्ड पुदीने की पत्तियाँ, जो ओरिजिनल स्वाद लाने वाली हैं इस बिरयानी में। बिरयानी मसाला भी डाल देती हूँ। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पुदीने को इस तरह यहाँ मसालों के साथ भूनकर आप अंडा बिरयानी जब खाएंगे श्योरली आपको एक लजीज टेस्ट मिलेगा। यहाँ अब फ्लेम बंद कर लेंगे और मिलाएंगे फेंटी हुई दही। इसे हम लो फ्लेम या फिर फ्लेम ऑफ करके ही मिलाना है ताकि दही फटे नहीं, ऐसा मैंने अपनी प्रीवियस बिरयानी की रेसिपीज में भी बताया है। यह अच्छे से मिक्स हो गई है। अब फिर से फ्लेम ऑन करके इसे मीडियम पर सेट कर लेंगे और यहाँ डाल देंगे सारे फ्राइड अंडे। इन्हें मसालों के साथ लगभग आधे मिनट तक भून लेंगे ताकि मसालों का ब्लेंड और मसाले इसमें चिपके रहें। इसके बाद अब मैं यहाँ आधे यानी 3 अंडे थोड़े मसालों के साथ निकाल रही हूँ, जिसे मैं बिरयानी के लेयर्स में ऐड करूँगी। थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे 1/2 कप के बराबर। इससे क्या होगा कि बिरयानी पकाने वक्त यह अच्छा स्टीम देंगी, नीचे से बिरयानी को चिपकने नहीं देगी और अंडा बिरयानी एकदम जूसी बनेगी। थोड़ी बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती ऐड कर लेते हैं और फ्लेम बंद करके अब बिरयानी और अंडे की लेयर सेट कर देते हैं। इस मसालों के ऊपर यहाँ कढ़ाई में सबसे पहले हमें छिड़कना है चावल। देखिए ये चावल एकदम फ्रीली यहाँ पे छिड़क पा रहे हैं हम। इनमें चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर डालेंगे ऐसे फ्राइड ओनियन, थोड़ा मैं बचा रही हूँ जिसे मैं सबसे टॉप पर डालने वाली हूँ। थोड़ी पुदीने की पत्तियाँ डाल लेंगे, ऐसे कहीं कहीं डाल लेंगे। थोड़ी धनिया की पत्ती भी डाल लेते हैं। अब यहाँ जो हमने मसाले के साथ अंडे निकाले थे उसे यहाँ ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे। तीनों अंडे डाल दिए, लगभग 2 छोटी चम्मच घी छिड़क देंगे यहाँ। फिर से सारे जो चावल बचे हैं डाल देंगे ऐसे स्प्रेड करके। सारी पत्तियों भी डाल देते हैं। बची हुई फ्राइड ओनियन छिड़क लेते हैं। बची हुई पूरी घी डाल देंगे और अब हमें इसका टेस्ट और कलर इन्हांसर यानी केसर मिला दूध छिड़क लेना है। और यह है गुलाब जल, इसे भी डाल देते हैं। इन सब के बाद यहाँ मैं इसे ढक देती हूँ और गैस पर पहले से मैं एक तवा गर्म कर लिया है। फ्लेम लो पर सेट कर देंगे और कढ़ाई को इस पर प्लेस करके हम पकाएंगे पूरे 20 मिनट। ऐसे पकाने से बिरयानी एकदम अच्छे तो पकेंगी ही, सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड करी है धीमी गर्माहट से चावल और अंडे में अच्छे से समाकर ना भूलने वाला स्वाद देगी। तो 20 मिनट बाद हमें गैस का फ्लेम करना है बंद और यहाँ हमें इसे छोड़ना है अगले और 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप देखें बिरयानी का कलर, खुशबू गजब की आ रही है फ्रेंड्स। स्वाद का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस अंडा बिरयानी को ऐसे गर्मा गर्म किनारों से निकालें, यह एकदम परफेक्ट कुक हुई है, एकदम जूसी है। तो इस अंडा बिरयानी को आप टाइमिंग्स का ध्यान रखते हुए ज़रूर बनाएं, अनफॉरगेटेबल टेस्टी बनेंगी। अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स करके बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो जानने वालों के साथ शेयर करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स।
और ऐसे ही सुपर टेस्टी पॉपुलर और न्यू ओरिजिनल रेसिपीज के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।